सेलेरियो कार बहुत अच्छी है, तो इस तरफ से मैं आज सेलेरियो कार का दिखा रहा हूँ। सेलेरियो कार लेना है तो नहीं लेना है वो तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। 2 एयरबैग है, वो फूलता है क्या? नहीं फूलता है, ऐसा कुछ है। मैं गाड़ी दुकान पर साकली में गया था, साकली में गाड़ी मिला और बोला 5,000 बुकिंग करने के लिए सस्ते में, और बहुत सस्ते में बोला था। अभी बोलता है फ़ोन किया तो अभी 10,000 भरो, अभी बहुत ज़्यादा भरो, ऐसा कैसा आदमी है वो। वो अभी ना तो ये 10,000 कैसे बुकिंग जाए, करने का, इसलिए रुद्रा ने वीडियो बनाया था। रुद्रा ने इसी तरफ से मैं सेलेरियो की जानकारी बताना चाहता था। सेलेरियो कार बहुत अच्छी है, ऐसे दिखता है वैसा कम रेट में, तो सेलेरियो नहीं, कब उतना पैसा पड़ेगा उसको तो वैगनर आएगी, बाद में क्या आएगा, बलेनो आएगी सादा मॉडल, और बलेनो सादा मॉडल आएगी इतना पैसा। तो बहुत अच्छी है रुद्रा ने, रुद्रा की सैलरी कार अच्छी है तो लेने का है। तो मेरे को गाड़ी अच्छी नहीं लगती है सैलरियो, इसलिए मैंने उसका कोटेशन बोला 5,000 सभी गाड़ी का बुकिंग है, ऐसा कैसा। तो बलेनो की 5,000 बुकिंग है, तो इस तरफ से इसको कितना बुकिंग मांग रहा है उसको। बोले नेक्सा शोरूम का उसका तो बुकिंग है 10,000 है ना, और 11,000 बुकिंग बनने का, तो इतना कम क्यों मिलता है इस सैलरी का। अभी तो मैं अभी देखो कार अच्छी है तो बहुत, अभी पुराने वाला सैलरी में उतना तो पैसे है, अभी पैर को भी बहुत फैस मिलता है, जगह भी बहुत है, वैसे ही गाड़ी अच्छी है। कार अभी मैं गाड़ी अच्छा है, गाड़ी तो रेड कलर लेने का नहीं, रेड कलर गाड़ी का अच्छा नहीं है, पूरा पूरा कार ये सीट भी, सीट के एयर बैग डाला 2 एयर बैग। अभी मैं कार का क्या बताऊं, अभी तो देखो लाइट भी बैठा है, वैसी वैसे तो सब कुछ है इस गाड़ी में, इंजन दिखाने वाला था, इंजन दूसरों का गाड़ी है, खोलेगा कैसा है इस गाड़ी का, वो गाड़ी का दिखा रहे हैं, ये मैं हूँ। अच्छा वो इंजन पिछले वाला सीट देखेगा, पिछले वाला उसने काटा नहीं है, इसलिए भाई की गलती है रुद्रा का, वैसा मेरे कुछ गलती नहीं है। अभी सेलेरियो का गियर देखो, अभी अभी उसके पीछे वाला भी आगे वाला, उसको तो दिख काटना नहीं आता था, सीढ़ी काटा था इतना ही बस। मेरे को देखा तो लाइक करो, वैसे ही मेरे को सब्सक्राइब करो, वैसे ही तो अच्छी है। अभी सेलेरियो का पिछली वाली डिक्की जो बहुत इतना ही इतना खास नहीं है डिक्की सेलेरियो की, देखो इतना खास नहीं है सैलरी की, अभी कम रेट में वैसे कैसे गाड़ी आएगा। ऐसे तो बलेनो लेगा तो सेकंड मॉडल लेने का, इस सैलरी के इतना फीचर था, उतना आता है बलेनो का, और ज़्यादा आता है हेडलाइट को दिखाया तो डाउन होता है पिछले वाला, ये आगे वाला ग्लास पर वैसा ही कुछ है, इसी के भी वैसे ही है। तो अभी अभी क्या है, अभी गाड़ी को पिछले डिक्की का तो मेरे को उतना खास नहीं लगता है, और इतना पैसे में कम, उतना टायर भी मैग व्हील का नहीं दिया है, और सादा मॉडल है, टॉप मॉडल 6 लाख, अभी 1 लाख डाला तो बोले ना आएगी 7 लाख में, तो वैसा कुछ है मारुति का। अभी उसका कष्ट ये वाला इस साल कुछ, वो आप लोग को चाहिए वैसा गाड़ी लेगा, ये बोलते हैं कि मेरे को आज शोरूम गया था मैं, उसने बोला मेरे को क्या तुम गाड़ी लेगा नहीं लेने का, तो गाड़ी लेगा तो मेरे को बोला क्या तुम्हारा बजट में पड़ना चाहिए, बजट में वैसा चाहिए उतना, वो बोला सैलरी के लिए 2 लाख भरो और 7 साल लोन होगा, ऐसा कैसा हो सकता है। तो अभी मैं बोलता हूँ मैंने दूसरा शोरूम में गया, मेरे को बोले ना को बोला 1.5 लाख भरो और 7 साल में ले बोला कार, ऐसे ही उसका तो उसका सर्विस सेंटर का कुछ पता नहीं है, वैसा कैसा है, मेरे को तो उल्लू बनाता है ऐसा दिखता है मेरे को, और 98% लोन करेगा बोला, और पूरा बोला इस सैलरी को तो मैं सारी सर्विस मिला है तो मेरे को कितने में मिलेगी, अभी मेरे को
1 लाख भरा तो मेरे को 6,000 हफ्ता पड़ेगा। एक कैसा आदमी है, मैंने तो मैंने बोले ना लिया, मैंने उसके शोरूम बात किया, उसने बोला मेरे को नेक्स्ट टाइम है आओ, और मेरे को बोले ना ले बोला, इसको बोला मेरे को 1-1.5 लाख भरो और 6,000 हफ्ता ले, वैसा ही कुछ बोला था। वैसे ही है तो वैसे ही वो बोले ना लेने की, तो मैंने अभी मैसेज किया है। मैंने तो उसका तो इतना कम रेट में, इसका तो सैलरी का तो मेरे को इतना है कि दूसरा शोरूम में गया तो मेरे को अच्छा लगेगा, सिर्फ ऐसे ही है नेक्स्ट टाइम में लेने का, तो वैसे ही दूसरा शोरूम में लेगा तो बहुत होगा। ऐसे क्या है, 3 महीना वेटिंग है तो बहुत, उसको कंपनी को ताला लगेगा, उसको ऐसे ऐसा बोलने का हमको जल्दी जाइए जल्दी जाइए, वैसा गाड़ी जल्दी देता है वैसा बोलने का, बहुत जल्दी जाइए हमको गाड़ी जल्दी जाइए, बाद में अभी हमको उतने देर दे दिन में जाइए, तो 3 साल 3 महीना बोलेगा, तो 3 महीने के अंदर तेरे को गाड़ी मिलेगी, 3 महीने के नहीं अभी मेरे को, जल्दी जाइए अभी अभी 2 अपडेट में 1 महीना में जाइए तो मिलता है 1 महीने में। वैसे शोरूम को शोरूम बोले ना वाला इतना वेटिंग क्यों है पता नहीं, वैसी तो गाड़ी बहुत दिखती है शोरूम पर, वैसी तो अभी दूसरों ने यूट्यूब पर भी बनाया था वीडियो, वैसा तो बहुत गाड़ी है बहुत ये मिलता है, ऐसा कुछ पता नहीं। और सैलरी का भी पार्किंग लाइट भी बेटा क्या अच्छा है, उसको तो अभी न्यू आया, उसको सैलरी को मेरे को बोल लेना चाहता था मैं, नहीं ऐसे में नहीं, और बोले ना लेने का, वैसे तो वैसे नहीं, बहुत कार है ऐसा, कार का तो पैसा इतना क्यों बड़ा है सैलरी का, सैलरी में ऑल्टो का इंजन सेम है ऐसा 180 स्पीड, ऐसे तो इंजन सेम होगा ना, और ऑटोमेटिक बोलता है, ऑटोमेटिक क्यों चाहिए, ऑटोमेटिक तो हमको ऑटोमेटिक लेने का दो दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिक और गियर, ऐसा कैसा है ऑटोमेटिक तो गियर ऑटोमेटिक है, और क्या, और उसका गाड़ी का सैलरी का इतना पैसा क्यों है, ऑल्टो का इंजन KTM का यूज़ किया था और वैगनर का इंजन सेम है, उतना का इंजन सेम है और दोनों का भी रेट रेट है सेम है, और ऑल्टो KTM का कम है, ऑल्टो 800 का भी इंजन सेम लगता है मेरे को, वैसे ही कुछ है तो वैसे ही कुछ है पता नहीं ऐसा ही होगा, इंजन तो सेम होना चाहिए था, ऐसे कहते हैं इंजन को देख के ही पता चलता है ऐसा इंजन सेम है वैसा। अभी क्या बताऊँ, वो न्यू आया वो सिर्फ 2018 में लॉन्च हो गई, उसका तो बुकिंग भी चालू हो गए हैं, बुकिंग लेना है तो ले, वो ये साला मोटा मोटा अंदर बैठ के गाड़ी को बोलता है गाड़ी अच्छी है, इसको गाड़ी अच्छी क्या लगती है, उसकी तो गाड़ी अच्छी नहीं लगती, वो बोलता है पैसा लेगा गाड़ी ले, उसको तो पता है सभी को पता है पैसा लेके गाड़ी लेने का, वैसे ही है तो वहाँ तो i10 खड़ी है उसकी, अभी गाड़ी वाला चिकना बना के बहुत करोड़पति बनेगा शोरूम का, अभी तो मेरे को कितना, कौन सा गाड़ी का फायदा है कमेंट पर बताओ, कौन सा गाड़ी का फायदा है वो i10 का नहीं सॉरी बोले ना का फायदा है का, इसको सैलरी को इतना पैसा भर के 1.5 लाख।